जो दायित्व है वो मैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा पूर्व में ये प्रकोष्ठ के रूप में काम करता था हमारे संगठन। अब ये मोर्चा है, उस मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। इससे पूर्व मैं अजमेर जिले का महामंत्री था मूल संगठन का। अब आप लोगों का भी हो जाए तो जो कि हमारे अजमेर दीनबंधु जी के साथ खड़ी हो विचारधारा के साथ, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देश भर में केंद्रीय नेतृत्व ने विचार किया और विचार के अंदर ओबीसी में आने वाली तमाम जातियों के बीच में ओबीसी मोर्चा जाकर भारतीय जनता पार्टी के विचार को, भारतीय जनता पार्टी की रीति को, राजस्थान सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार के जो विकास कार्य हैं, वो ओबीसी वर्ग के बीच में ले जाने का हम काम करेंगे। और राजस्थान की ओबीसी वर्ग की जनता को, जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही है, और भी कई ऐसी छोटी छोटी जातियाँ हैं जो ओबीसी वर्ग में आती है, उन लोग जो आज कहीं ना कहीं बीजेपी से की विचार को समझने से दूर हैं, उन लोगों के बीच में भी हम भारतीय जनता पार्टी को विचार को ले जाने का काम कर रहे हैं। और उसी दिशा में मैं आज बाड़मेर ज़िले में हूं, मैं जोधपुर संभाग का दौरा कर रहा हूं, कल मैं जालौर और बाड़मेर का मैंने प्रवास किया था, उससे पहले पाली और सिरोही का, आज हमारा जैसलमेर और जोधपुर, कल जोधपुर का रहने वाला है। उस दिशा में ओबीसी मोर्चे के तमाम कार्यकर्ता उस दिशा में काम करना शुरू कर चुके हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की विचार को और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को ओबीसी वर्ग में मजबूती से फैलाने का काम करेंगे और ओबीसी मोर्चा आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत कड़ी के रूप में उभर कर सामने आएगा, इस बात का मैं विश्वास दिलाने का प्रयास करूँगा। कल हमारी बाड़मेर ज़िले की बैठक हुई, बहुत अच्छी बैठक हुई, ओबीसी वर्ग के तमाम जो लोग हैं वो उस कल बैठक में आए और माननीय इस बाड़मेर ज़िले के जिलाध्यक्ष की अनुशंसा और सभी लोगों से बातचीत करने के बाद हमने बाड़मेर ज़िले में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ओबीसी वर्ग से आने वाले कार्यकर्ता श्री मोहनदान जी देता की हमने जिलाध्यक्ष के रूप में घोषणा की है और शीघ्र उनसे अनुरोध किया है कि जिले की टीम बनाकर बाड़मेर ज़िले के अंदर ओबीसी मोर्चा का काम शुरू हो, बूथ स्तर तक हमारा कार्यकर्ता खड़ा हो और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को, माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो राजस्थान पूर्ववर्ती विपक्षी सरकारों ने इस राजस्थान को खड्डे में डालने का काम किया था, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पिछले 4 सालों में 3.5 सालों में दिन रात मेहनत करके इस राजस्थान को पुनः एक विकसित राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान और मजबूत राजस्थान के रूप में खड़ा करने का काम किया है। उनकी मेहनत, उनके विकास कार्य, उनकी योजनाओं को जन जन तक ले जाने का काम शीघ्र अतिशीघ्र बाड़मेर ओबीसी मोर्चा करे, ऐसा हमारा उनसे आग्रह रहा है। हमारा, मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ, हम एक विचारधारा के रूप में काम कर रहे हैं। हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी का एक अग्रिम संगठन है। हमारा मूल लक्ष्य हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ ओबीसी वर्ग के तमाम लोगों को मिले, वो भारतीय जनता पार्टी का विचार ओबीसी वर्ग में आने वाली तमाम जातियों के बीच में जाए, ओबीसी वर्ग के अंदर आने वाली तमाम जातियाँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रीति नीति को समझकर हमारी पार्टी के साथ खड़ी हो और राजस्थान के अंदर हमारी सरकार की विकास योजनाओं का लाभ ओबीसी वर्ग की तमाम जाति और तमाम लोगों को मिले, ये चिंता करने का काम ओबीसी मोर्चे का होता है और ओबीसी मोर्चा इस काम को बखूबी निभाने का प्रयास करेगा। जहाँ तक और अन्य किसी विषय की बात है तो ओबीसी मोर्चा समय समय पर ओबीसी वर्ग के हितों की बात, ओबीसी वर्ग के रक्षा का कोई विषय हो, ओबीसी वर्ग की कोई समस्या का कोई विषय हो, इन सब विषयों को यथा स्थान पर उठाकर ओबीसी वर्ग को हमेशा न्याय दिलाने के प्रयास में संघर्षरत रहेगा। मेरे पे एक बड़ा दायित्व दिया गया है ओबीसी मोर्चे का, जिसे मैं वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा। ओबीसी हमारी ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एक ऐसी पार्टी है जिसने ये प्रूव किया है कि वो जाति पात पर नहीं चल के, तुष्टिकरण की राजनीति में नहीं चल के काम करने वाले छोटे से छोटे कार्यकर्ता को पद देती है, आगे उसको दायित्व देती है। इसका ये उदाहरण है कि हमारी जाति में इतने मत नहीं होते हुए भी ओबीसी में आने की वजह से मुझे ये मौका दिया गया है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं, ये मात्र भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, अन्यथा आज तक सभी परिवारवाद से चल रहे थे। मैं पूरे बाड़मेर ज़िले की सभी ओबीसी जातियों को साथ में लेके अच्छे से अच्छा काम, लास्ट हमारे समाज के अंतिम तबके तक हमारे सरकार की सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम
पूरी तन मन धन की मेहनत से करूँगा, यह मैं हमारे अध्यक्ष जी श्री बडाणा साहब को आश्वासन देना चाहता हूँ। आप सभी प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ हैं, आपका सहयोग मिलता रहे, आप भी हमारे देश की उन्नति के मुख्य पात्रों में से हैं, आप भी हमारे बाड़मेर के उन्नति में हमें साथ दीजिए, हम सभी के सहयोग से बढ़िया काम करने का प्रयास करेंगे।